जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नगली सर्किल पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का पुतला फूंका गया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष टीकाराम जूली ने अमित शाह के बेटे की कंपनी के 2 साल में 16,000 गुना टर्नओवर बढ़ने पर सीधा सीधा भाजपा सरकार और अमित शाह को कटघरे में खड़ा किया है। इस दौरान पूर्व विधायक कृष्ण मुरारी, गंगावत अजीत यादव, डॉक्टर पुष्पा गुप्ता, योगेश प्रधान, प्रदीप सिंह और योगेश मेहता सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने भाजपा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज जो जय शाह का पुतला जलाया है, अमित शाह का पुतला जलाया है, वो देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। कल तक जो कह रहे थे कि बेटी बचाओ, आज वो कह रहे हैं बेटा बचाओ। ऐसा कौन सा फार्मूला है जो 50,000 रुपए से सीधा 16,000 गुना इसमें आमदनी बढ़ जाए और बढ़ के 80 करोड़ रुपए हो जाए? ऐसा कौन सा फार्मूला है, और वो भी ऐसे मद्दे के समय में? इसमें भ्रष्टाचार है। इसके खिलाफ मैं ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के निर्देशन में, इसके निर्देशन में इसके अंदर एक कमेटी बने और वो कमेटी इस पूरे प्रकरण की जांच करे। इसके अंदर अमित शाह और उसका बेटा दोनों दोषी हैं। इन्होंने देश के पैसे को नाजायज तरीके से अपने खाते में डलवाया। वो फर्म जिसकी ब्याज वो कर्ज ले रही है 25 करोड़ का और संपत्ति दे रही है 6 करोड़ की, ऐसा हमारे यहाँ तो बैंक वाले 1 करोड़ रखवाते हैं, उसके बाद में कहीं 50 लाख का लोन देते हैं। तो ऐसे ही टेम्पल एंटरप्राइजेस में ऐसा क्या था कि जो उसको कंपनियां भी लोन दे रही है, वो लोन भी लोन दे रहे हैं, जो खुद पैसे लोन पे ले रहे हैं, जिसकी कंपनी की कोई हैसियत नहीं, जिस कंपनी की हैसियत 6 लाख की, वो 15 करोड़ का लोन दे रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी को ये सारे भ्रष्टाचार उनके देखरेख में हो रहे हैं, उनकी